जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आत्मघाती आतंकी हमले में कई दर्जन सीआरपीएफ जवान शहीद हुए। जवानों की शहादत के बाद देश भर से कड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही है। बॉलीवुड के तमाम बड़े सितारे ने भी हमलों की तीखी आलोचना की है। घटना के बाद आमिर खान, सलमान खान, विकी कौशल, जावेद अख्तर, अनुपम खेर, वरुण धवन, फरहान अख्तर, अभिषेक बच्चन जैसे तमाम सितारों ने ट्वीट कर आतंकियों की हरकत की कड़ी निंदा की। शबाना आजमी और जावेद अख्तर ने तो टेरर अटैक के बाद पाकिस्तान दौरा भी रद्द कर दिया। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसे भी सितारे हैं जिन्होंने कुछ ऐसा बोला है हमले को लेकर जिसके बाद उनकी काफी निंदा हो रही है। इसमें सबसे पहला नाम आता है नवजोत सिंह सिद्धू का। नवजोत सिंह सिद्धू ने शुक्रवार को पुलवामा आतंकी हमले की निंदा की और उन्होंने पूछा कि क्या कुछ लोगों की करतूत के लिए पूरे देश को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ये जो चंद लोग ये सब कुछ कर जाते हैं इनको सजा याफ्ता करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी कौम को आप चपेटे में ले लो। इस बयान के बाद सोशल मीडिया यूजर्स काफी नाराज हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के बयान के बाद तो ट्विटर यूजर्स ने कपिल शर्मा शो को बैन करने की मांग कर रहे हैं। यूजर्स की मांग है कि जब तक नवजोत सिंह सिद्धू इस शो में है वो तब तक द कपिल शर्मा शो नहीं देखेंगे, तो जल्द से जल्द उन्हें हटा दिया जाए। अगला नाम है जावेद अख्तर का। जावेद अख्तर, जिनका पाकिस्तान में एक दौरा भी था लेकिन उन्होंने ये कैंसिल कर दिया, उन्होंने ट्विटर पर सीआरपीएफ के जवानों के बारे में गोलमोल ट्वीट किया, संवेदनाएं भी व्यक्त की, लेकिन पाकिस्तान या जैश-ए- मोहम्मद के खिलाफ एक शब्द नहीं बोले। जावेद अख्तर ट्विटर पर लिखते हैं कि सीआरपीएफ से मेरा बेहद खास रिश्ता है, मैंने उनके लिए एंथम लिखा है, मैं कई सीआरपीएफ के अधिकारियों से भी मिल चुका हूँ, उनसे हमेशा सम्मान और प्यार सीखा है, मैं शहीदों के लिए दुख प्रकट करता हूँ। जावेद अख्तर ने सीआरपीएफ के जवानों की बहादुरी की तारीफ की। इस पर यूजर्स ने जावेद अख्तर को ट्रोल करना शुरू कर दिया। यूजर्स ने इस बात पर आपत्ति जताई है कि आखिर जावेद अख्तर ने पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द तक नहीं लिखा। एक यूजर ने तो लिखा, देखो इनको, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं लिखा, आतंकवाद के खिलाफ कुछ नहीं लिखा, ये शर्मनाक है। वही दूसरे यूजर्स ने लिखा, आप खुद को प्रमोट करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। कुछ ने कहा कि जावेद अख्तर ने बहुत ही डिप्लोमेटिक कमेंट किया है। इन सब के बीच सिंगर सोनू निगम ने आतंकी हमले के बाद बिना किसी का नाम लिए फेक, सेकुलर, उनके जैसी सोच रखने वाले बॉलीवुड सेलिब्रिटी पर निशाना साधा है। सोनू निगम ने इसका एक वीडियो शेयर किया। कुछ सीआरपीएफ के लोग मर गए, है ना? कितने 44 लोग थे? अरे 44 हूँ या 440 हो, आप लोग क्यों दुख मना रहे इतना? इसमें दुख की वाली क्या बात है इतनी? आप तो वो करिए जो इस देश में सही है, जो सेक्युलर लोग करते हैं। इन बातों में दुख मनाना है, छोड़ दीजिए आरएसएस पे, बीजेपी पे, हिंदुत्ववादी, राष्ट्रवादी सो कॉल्ड संस्थाओं पे छोड़ दीजिए आप। आप तो वो कीजिए जो यहाँ पर सेक्युलर लोग करते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफसल हम शर्मिंदा हैं। फिर से बोलिए, भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफसल हम शर्मिंदा हैं। शाबाश, अगर इंडिया में रहना है तो इस तरह की सेक्युलर सोच आपकी होनी चाहिए। कुछ दिनों पहले नसरुद्दीन शाह ने भी भारत में इंटॉलरेंस और मानवाधिकार के मुद्दे पर जोर शोर से मुद्दा उठाया था। हालांकि पुलवामा आतंकी घटना पर उनका अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। अभी तक तो सिर्फ यही बॉलीवुड के कुछ चुनिंदा सितारे हैं जिन्होंने कुछ खुलकर बोला है, बाकी किसी सेलिब्रिटी ने इससे अपना कोई सरोकार नहीं दिखाया है। इस हमले के बाद अब सवाल यही उठता है कि एक एक पत्थरबाजों के मानवाधिकार के लिए आवाज उठाने वाले ये सितारे अब 44 जवानों की शहादत पर खामोश क्यों है? चलो राजनीति ना सही, लेकिन एक नागरिक के हैसियत से तो अपनी बात रख सकते थे। देश के सम्मान में शहीदों के परिवार के दुख में शरीक होने के लिए, सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए अपनी बात तो रख ही सकते हैं। या सिर्फ ऐसे मुद्दे पर सिर्फ फिल्म बनाने के लिए ही हमारा बॉलीवुड आगे आता है? इन सवालों के साथ हमें इंतजार रहेगा बॉलीवुड के सभी बड़े सितारों के प्रतिक्रियाओं का। देखते हैं कि कोई कुछ बोलता है या यूं ही चुप्पी छाई रहेगी। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें
और सी फर्स्ट करें, और अगर YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।